मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक और धमकी भरे पत्र मामले में एक अहम खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिस स्कॉर्पियो में विस्फोटक और धमकी भरा पत्र मिला था, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को 291 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वह खुद नंदीग्राम सीट से संग्राम में उतरी हैं। ममता बनर्जी ने फिल्म से लेकर खेल की दुनिया तक के कई नए चेहरे दांव पर चला है। शाहजहांपुर में एक महिला के साथ 26 साल पहले किशोरावस्था में दो सगे भाइयों ने रेप किया था। किशोरी गर्भवती हुई और एक बच्चे को भी जन्म दिया। लोकलाज और धमकी के कारण रेप के आरोपितों पर केस दर्ज नहीं कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के केवड़िया में रहेंगे, जहां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज इस सेमिनार का तीसरा दिन है। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय प्रवास पर विमान से जबलपुर पहुंचे। डुमना एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर आयकर विभाग के छापे पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं द्वारा आयकर विभाग की इस कार्रवाई को डायरेक्टर अनुराग कश्यप को टारगेट करना बताया जा रहा है। अगले साल हम देश की आज़ादी का 75वां साल मनाएंगे। आज़ादी के 75वें साल में सरकार कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सरकार ने 259 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बिहार के मुंगेर जिले में 12 कट्टा 3 धूर जमीन के लिए दो पक्षों में जारी अवादत खूनी संघर्ष में बदल गई और 3 लोगों को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। इस खूनी संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार की दोपहर हो गई थी, जब दोनों पक्ष के बीच मारपीट के बाद तनाव का माहौल बन गया। राष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना के कहर ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ 6 दिनों के भीतर राज्य में 50,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कानूनी पैनल ने शुक्रवार को एक और बड़ा ऐलान किया। सेक्टर 35 स्थित किसान भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कानूनी पैनल ने कहा कि चल रहे आंदोलन के अगले चरण के तहत 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश द्वार बंद करेंगे।